हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ BHU MSc फिजिक्स 2019 से कुछ क्वेश्चंस, और जो ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा वो सब स्टूडेंट्स के फीडबैक पे है, जो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हैं और मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस को सेंड किया है, उसी हिसाब से मैंने ये क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन है 4 हाइड्रोजन एटम इन ग्राम स्टेट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन 1/r। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, ये आते ही रहते हैं। हाइड्रोजन एटम में एक्सपेक्टेशन आर की वैल्यू ग्राम स्टेट में 3/2A0 होती है, एक्सपेक्टेशन 1/r की वैल्यू 1/A0 होती है, जहाँ A0 बोले जैसे एक्सपेक्टेशन आर स्क्वायर की वैल्यू 3A0² होती है। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेशन 1/r को निकालेंगे इजकल टू वॉल्यूम इंटीग्रल साई स्टार 1/r साई डी वी, और डी वी को जब आर का फंक्शन होगा तो डी वी को लिख पाएंगे 4πr² dr, और ग्राम स्टेट में फंक्शन होता है हमारा 1/√π(a₀³e^-r/a₀, a₀ जहाँ पर बोल रही केस है, तो यहाँ पर इसको रख देंगे 1/√π(a₀³e^-2r/a₀, ये साइज क्या साइज से आएगा 1/r, ये साथ आएगा इसका, और डी वी से हम ले लेंगे 4πr² dr। जब इसको सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रल को तो ये वैल्यू हमारी 1/√ आएगी, जहाँ a₀ बोल रही केस होगा। तो इस मान से मार्क करना था 1/√। क्वेश्चन जो है, अगर एक्सपेक्टेशन आर आता है तो एक्सपेक्टेशन आर ग्राउंड स्टेट में याद रखें वो होता है 3A₀/2, और एक्सपेक्टेशन आर स्क्वायर की वैल्यू ग्राउंड स्टेट में होती है 3A₀². तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ, इसी बार का क्वेश्चन है, ए पार्टिकल प्लेस्ड इन ए बॉक्स ऑफ लेंथ कैपिटल L, इफ लेंथ इज इंक्रीज टू 2L देन व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो अनसर्टेनिटी पूछी है, अनसर्टेनिटी जब पार्टिकल लेंथ एल के बॉक्स में होगा तो अनसर्टेनिटी जो पोजीशन में होगी वो एल होगी। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा दें, डेल एक्स डेल पी एक्स का जो प्रोडक्ट है वो एच के ऑर्डर का होता है, जहाँ डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल पी एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। तो डेल पी एक्स की वैल्यू पहली बार जब लेंथ एल थी तो एच अपॉन एल होगी, क्योंकि डेल एक्स की वैल्यू एल होगी, क्योंकि पार्टिकल लेंथ एल बॉक्स के अंदर कहीं भी हो सकता है। जब लेंथ उसकी 2L हो जाएगी तो जो अनसर्टेनिटी मोमेंटम में वो एच अपॉन 2L हो जाएगी, तो पहले से जो अनसर्टेनिटी है वो हाफ हो जाएगी। तो ये हमें इसमें आंसर मार्क कर करना था, ये मैंने इसमें सॉल्व किया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने पहले बताया था ड्यू एंड हंट रूल से क्वेश्चन आता है या मोजरेलो से आता है, तो वहीं से क्वेश्चन था। 10 kV का एक्सेलरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा था एक्सरे जो ट्यूब थी, और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू पूछी थी, तो लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला होता है SC/EV, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्स आती है 1, 2, 3, 4, 5/10^(3). ये V की वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू जो एंगस्ट्रॉम में आएगी, ये वैल्यू यहाँ एंगस्ट्रॉम में ले लें इसे, तो ये अप्रॉक्स 1.2 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी सॉल्व करके, इसको सॉल्व कर दें। तो ऐसे क्वेश्चन था इस पैटर्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन था, ए पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ ए सर्कुलर टायर, एक पार्टिकल है वो सर्कुलर टायर के रिम के ऊपर है, विच मूविंग ऑन द रोड, और जो टायर है वो रोड के ऊपर मूव कर रहा है। तो पूछा था पाथ बताइए क्या होगा अगर कोई मेन रोड पर खड़ा उसे देखता है। तो ध्यान रखें कि अगर पार्टिकल किसी समय पे अगर कार एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही ऐसे ही घूमती रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, तो जो मोशन होगी वो प्योर रोटेशनल मोशन होगी, और जब पार्टिकल उसके अंदर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। लेकिन जब हमारा पार्टिकल जो हमने रिम के ऊपर रखा हुआ है मोशंस अगर टायर मूव करता है आगे, तो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशन होंगी। ट्रांसलेटरी मोशन इसलिए होगी क्योंकि जो कार है वो आगे बढ़ रही है, और रोटेटरी मोशन इसलिए होगी क्योंकि जो उसका पहिया घूमेगा जिस समय पर टायर किसी समय पर रोटेट करेगा, तो दोनों मोशंस होंगी रोटेटरी और ट्रांसलेटरी, और रोटेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन में जो पाथ आएगा वो इस टाइप से आएगा, और जो पाथ होगा उसकी शेप हमारी साइक्लॉइड हो जाएगी। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही अगर हमारा नीचे हम कुछ उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस लगा दें और टायर वहीं घूमता रहे तो सर्कुलर पाथ उसका हो जाएगा। तो क्वेश्चन आते रहते हैं, अगर रोलिंग मोशंस नहीं होती है तो फिर वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है, ये भी याद रखें। लेकिन जो ये केस है जो हमारे कार टायर बस और ये सब जो चीज़ मूव करती हैं स्कूटर वगैरह, इनके पाथ जो होते हैं वो साइक्लॉइड होते हैं, क्योंकि ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों जो मोशन है उनका मिक्सचर होता है। तो याद रखें, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूँ, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पी, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन नैनोमीटर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, नैनोमीटर में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें,
कि लैम्डा का जो वैल्यू होती है वो एच अपॉन पी रहती है कि प्रॉपर्टी वेवलेंथ की, और पी जो होता है मोमेंटम, उसे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई टू एम को ईवी के इक्वल कर देते हैं, तो पी की वैल्यू अंडर रूट टू एम ईवी आ जाती है, और एम ई और एच की वैल्यू जब पुट करते हैं तो सॉल्व करके हमें मिलता है लैम्डा बराबर रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। इसे हम लिख पाएंगे 12.27 अपॉन रूट वी, एंगस्ट्रॉम को बदल दें, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10^-10 मीटर के इक्वल, तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन आ जाएगा इसका 1.227 अपॉन रूट 2 नैनोमीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर में होते हैं 10^-9 मीटर। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहा हूँ, 2 डायमेंशंस में पूछा था फर्मी एनर्जी डेंसिटी पर कैसे निर्भर करती है, तो मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा था स्टैटिस्टिकल में, वहाँ भी मैंने रिवाइज किया था। जो नंबर ऑफ माइक्रोस्ट्रिप्स होती हैं वो एरिया अपॉन एच स्क्वायर, और 2m ef पर निर्भर करती हैं, n अपॉन ए को इधर ले जाएं तो ef जो है वो n अपॉन ए जो है वो नंबर ऑफ फेज सेल पर यूनिट एरिया होंगी, और उसको स्मॉल n से नोट करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो फर्मी एनर्जी n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 2 डायमेंशंस में, 1 डायमेंशंस में n जो होगा वो l अंडर रूट 2m ef होगा, तो ef यहां पर प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होगा। और अगर वो 3d में पूछता है तो याद रखें 3d में जो फर्मी एनर्जी निर्भर करती है वो n की पावर 2/3 पर निर्भर करती है। तो याद रखें कि जो फर्मी एनर्जी है वो n स्क्वायर पर डिपेंड करती है, जहां n डेंसिटी है 1 डायमेंशंस में। फर्मी एनर्जी डायरेक्टली n पर निर्भर करती है, डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 2d में, और फर्मी एनर्जी n की पावर 3/2 पर निर्भर करती है 3 डायमेंशंस के केस में, n की पावर 2/3 पर निर्भर करती है। तो ये यहाँ से, क्योंकि जब हम 3d का केस लेकर चलेंगे तो यहाँ n जो निर्भर करेगा वो प्रोपोर्शनल होगा v पे, और ef की पावर 3/2 पर निर्भर करेगा। तो यहाँ से जब हम n अपॉन v को इधर ले आएंगे तो ef जो है वो 2 की पावर 2/3 पर निर्भर करेगी। तो फर्मी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम फोर 2d, ef प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर फोर 1 डायमेंशन, और ef प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 2/3 इन द केस ऑफ 3 डायमेंशंस। तो ये फॉर्मूले याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, रेगुलर पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था, और स्टूडेंटों से आग्रह करूँगा कि मेरे व्हाट्सएप पर कुछ और क्वेश्चन सेंड कर दें, तो मैं आगे कुछ और वीडियो अपलोड कर दूँगा। यह मैंने नंबर आपके लिए फिर से एक बार लिख दिया है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9837108881, तो इस पर सेंड कर दें। और क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपके लिए डाल दूं, तो उम्मीद करता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स और सेंड करेंगे क्वेश्चंस, कुछ बच्चों ने भेजे हैं उनके लिए धन्यवाद, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चंस भेजे हैं तो उन्हें मैं थैंक यू कहना चाहूँगा इस वीडियो के मार्फत। तो और बाकी से आग्रह करूँगा कि और क्वेश्चंस भेज दें, जिससे मैं और भी पेपर डिस्कस कर पाऊँ और आपको उसका लाभ मिले आगे जो फर्दर आप एग्जाम देंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं इसमें बता रहा था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस थे, किस किस तरीका के थे। तो और क्वेश्चंस भेज दें, मैं आगे कुछ और वीडियो अपलोड करना चाहूँगा। साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि सभी वीडियो गांव के बच्चों को, शहर के कस्बों के और बच्चों को समर्पित हैं, जो गाइडेंस के अभाव में जीते हैं, तो प्रयासरत हूँ उनके लिए, और इस मिशन में सहयोग करते रहें, चैनल को लगातार सब्सक्राइब कराते रहें और कंटेंट को शेयर करते रहें, और मेरे इस मिशन में सहयोग करें, जिससे गाँव में रहने वाले बच्चे जो गाइडेंस के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते हो, और जो शहरों कस्बों में जिनके पास मॉनिटरी स्थितियाँ जिनकी अच्छी नहीं है, उन तक ये वीडियो पहुँचे और इनका मैक्सिमम बच्चों को लाभ पहुँचाया जा सके। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज़।